नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की, यानी कि NECC लिमिटेड की। जी हाँ, एक पेनी स्टॉक है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या संभावनाएं बनती हैं, सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। आपके पास एक भी शेयर है तो नहीं है तो पूरा फंडामेंटल आप देख लेंगे तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, निकलना चाहिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो इससे संबंधित न्यूज़ है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 28 मार्च को न्यूज़ आई है, इनके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मनोज कुमार जैन जी, इन्होंने पर्सनल रीज़न बताते हुए यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दे दिया है यहाँ पर। तो ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह जब रेजिग्नेशन देते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी रहती है उसके लिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी अभी जो शेयर है वो किसी भी ग्रुप में नहीं है, ना ESM में है, ना GSM में है, ना ही ASM में है। 26.70 रुपये पे क्लोजिंग दी है, 3.73% ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई लगाया इसने 26.73 रुपये का, लो लगाया 25.51 रुपये का और ओपन हुआ था 26.73 रुपये पे। यहाँ पर हम लोग प्राइस बैंड की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 20% का यहाँ पर प्राइस बैंड है। आप इस चीज़ के लिए अपने इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। बात करें कामकाज की तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। 1984 में स्टेब्लिश हुई थी कंपनी। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 253 करोड़ का मार्केट कैप है, 500 करोड़ से कम है। आपको जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं जानते हैं, जो लोग नए पहली बार आ रहे हैं उनको मैं हर बार बताता हूँ आप लोगों को इस तरीके के स्टॉक में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को ESM की स्टेज में डाल दिया जाता है। ESM यानी इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर। और एक बार ESM की स्टेज 1 से ESM की स्टेज 2 में अगर आया तो वहाँ पर आप मान के चलिए शेयर को बेच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पीरियोडिक कॉल ऑप्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर आपको हर घंटे ऑर्डर लगाने पड़ते हैं। तो जितने भी कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने हैं। खूब सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। ROC की बात करेंगे 8.27, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। ROE की बात करेंगे 5.56, ये भी ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जनरली दोनों 15 से ऊपर हों तो अच्छे माने जाते हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर एक ठीक दिखती है, 52% के आसपास, 50% से ऊपर है। कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। और डेट की बात करेंगे तो 114 करोड़ का है जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.77। लेकिन अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे 253 करोड़ के हिसाब से डेट अभी इनके ऊपर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है। इंटेंसिक वैल्यू की बात करेंगे तो 11.5 है, 11.5 ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको डबल देखने को मिल रहा है रियल वैल्यू से, 26.70 रुपये पे। बुक वैल्यू की बात करेंगे 15.60 रुपये तो वहाँ से भी आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का पी आपको 41 देखने को मिल रहा है, स्टॉक का पी आपको 40 देखने को मिल रहा है। तो इसके हिसाब से अभी आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है। वहीं बात करें हाई और लो की तो 15.90 रुपये का लो लगाया, तो 37.40 रुपये का हाई लगाया था, अच्छा खासा यहाँ पर रनअप कर चुका है। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें सारी वैल्यू करोड़ में है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 85 करोड़ 59 लाख की है दिसंबर वाले क्वार्टर में, उससे पहले वाले में थी 73 करोड़, उससे पहले 83, 73 और पिछले साल इसी क्वार्टर में यानी दिसंबर वाले क्वार्टर में 72 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ से आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको थोड़ा बहुत जंप देखने को मिलता है। मार्जिन की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 से 7% के बीच में आपको लगातार मार्जिन जो है वो देखने को फिलहाल मिलते हैं। बात करेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर 2.52 करोड़ का प्रॉफिट आया है दिसंबर वाले क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.13 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में बात करेंगे यानी कि जो दिसंबर से पहले वाला क्वार्टर था वहाँ पर 1.15 करोड़, तो वहाँ से आपको 2.52 करोड़ आपको प्रॉफिट में भी जम देखने को मिल रहा है। और देखिएगा मैं तो यहाँ पर ये डिस्कस करता हूँ, आपके सामने डाटा तो पूरा रहता है ना, आप वीडियो को पॉज करके पूरा देखा करिए अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। बात करें प्रॉफिट लॉस की, सारी वैल्यू करोड़ में है। ईयरली लेवल पे अगर हम लोग देखें तो सेल्स 317 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ में है, 306 करोड़, 250 करोड़, 231, 376, तो यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन पिछले 3-4 सालों में आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड में आपको सेल देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही 4 से 7% के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 6 करोड़ अभी है, उससे पहले भी 6 करोड़ था पिछले साल में, उससे पहले 4 करोड़, 1 करोड़, 6 करोड़, 5, 4, 6, तो आप एकदम कांस्टेंट मतलब जो प्रॉफिट है वो 5 से 6 करोड़ के बीच में आपको 4 से 6 करोड़ के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर 1 करोड़ आया था, ये वही 2021 था, कोविड वाला दौर था। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे। अदर इनकम भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी को अदर इनकम भी ठीक ठाक तो नहीं, लेकिन हाँ इस साल यहाँ पर आपको 1 करोड़ देखने को फिलहाल मिलती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास 75 करोड़ के रिजर्व्स हैं जो कि आप यहां से देख रहे हैं लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बोरोइंग्स भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही है, 72, 76, 101, 119 और 114। यहां पर जब कंपनी का डेट कम होता है तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन जब डेट बढ़ता रहता है तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन रहता है। प्रमोटर्स आप देखेंगे 52.66, 63, 63, 52.68, धीरे धीरे 0.001% करके बढ़े हैं, लेकिन 52.68 आपको काफ़ी टाइम से देखने को फिलहाल मिलते हैं। FII यहाँ पर देखिए एक बार आए थे दिसंबर 2021 में, फिर यहाँ पर 0.09, फिर उसके बाद लगातार खाली थे, और दिसंबर 2023 में यहाँ पर 0.04% की यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को इन्होंने बनाया है।
पब्लिक आप देख पा रहे हैं 47.29% के आसपास यहाँ पर पब्लिक है। नंबर अब बाकी जो नीचे है वो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा नंबर ऑफ़ शेयर्स में। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पॉजिटिव और जो नेगेटिव हैं वो देख सकते हैं, मशीन जनरेटेड है, आप ध्यान रखिएगा। मैं जो बता रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव आपको उस पर ध्यान रखना है, ये मैं इसलिए ले आता हूँ ताकि आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर रहें और जो मैं बता रहा हूँ उससे आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। यहाँ पर देखिए जो इनकी प्रमोटर जो इनके पास होल्डिंग्स हैं, यहाँ पर आप इतने तो प्रमोटर हैं, बाकी जो बचा हुआ मामला वो पब्लिक के पास है और अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। और जब ये बेचेंगे शेयर को, ये देखिए 6.3% ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, देख रहे हैं ना आप, जब ये बेचेंगे तो यहाँ पर शेयर में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो और यहाँ पर ऑपरेटर्स तो देखिए एक्टिव रहते भी हैं, यहाँ पर देखिए इन जनाब को तो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे वो हों चाहे यहाँ पर सेतु सिक्योरिटी, तो ये सब रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल अभी नवंबर के बाद से नज़ारा है, नवंबर के बाद यहाँ पर जो लास्ट एक्टिविटी देखी थी हिरती से और इनसे सबसे 22 नवंबर 2023 की बात है ना, तो अभी 2024 में तो फिलहाल अभी नहीं आए, तो जैसे ही आएंगे तब हो सकता है इसमें आपको ऊपर भागते हुए नजर आए। ऊपर पंप करेंगे पहले, फिर उसके बाद नीचे ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद डंप करेंगे और नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटर से आपको बहुत सावधान रहना है। रिटर्न की बात करें, ईयर टू डेट माइनस, एक वीक में 11% रिटर्न दे चुका है, एक महीने में 22% माइनस, तीन महीने में 5% माइनस, छः महीने में 13% प्लस, एक साल में 46% रिटर्न, तगड़े रिटर्न दे चुका है, दो साल में 17%, तीन साल में 215% के मासिक रिटर्न और पाँच साल में 205% रिटर्न दे चुका है। वहीं वॉल्यूम और डिलीवरी की बात करेंगे तो आज 3 लाख का वॉल्यूम, कल 4 लाख का वॉल्यूम जनरेट किया था, वन वीक एवरेज 4 लाख, वन मंथ का एवरेज आपको 5 लाख देखने को मिल रहा है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिल रहा है। वन मंथ का एवरेज डिलीवरी परसेंट है 68%, वन वीक का 77%, वन और यस्टरडे की बात करेंगे तो 73% आपको देखने को मिल रहा है। आज का डाटा फिलहाल अपडेटेड नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छा खासा इतने हाई लगाया था लगभग 37 रुपये के आसपास का, और फिर आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन 22 रुपये के आसपास आप देख पा रहे हैं, 22 रुपये के आसपास आके ये सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ से। अगर और अपने तीनों EMAs के फिलहाल अभी ये नीचे जो है वो चल रहा है। RSI की बात करेंगे तो आपको 49.87 देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। देखिए बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मैं कभी भी नहीं देता हूँ, मेरा आप कोई भी पहला वीडियो भी जो मैंने अपने चैनल का बनाया था कभी भी नहीं देता हूँ। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि आप बच्चे का पैसा तभी तो बनेगा ना पैसा। मैं आप लोगों को हमेशा ये इतनी कई सारी साइटों से आपके सामने डाटा लेके आता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और शुरुआत से काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रखता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आए कि हमें इस तरह के स्टॉक्स में कितना पैसा लगाना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे का है तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है, और यहाँ पर तो आप देख रहे हैं 500 करोड़ से भी कम है, बहुत छोटा मार्केट कैप है। तो इस तरीके के स्टॉक्स में क्या होता है, ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और एक बार ये ESM की स्टेज 2 में आ गया तो फिर आप एम्पावर इंडिया जाके देख लीजिए किस तरीके से लोअर सर्किट लग रहे हैं। मैंने बहुत सारे उस पर वीडियोज़ बनाए थे, सबको सतर्क किया था, बहुत सारे लोग जो बच के निकल गए होंगे, लेकिन अभी उसमें लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे स्टॉक ज़्यादातर जब ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं तो अपर सर्किट और लोअर सर्किट पे ही चलते हैं, तो वहाँ पर आप बेच भी नहीं पाएंगे अगर ESM की स्टेज 2 में ना आया फिर भी। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पेनी स्टॉक में हमेशा उतना ही पैसा लगाए जितना खो जाए डूब जाए, तो टेंशन ना हो, अपने कैपिटल का 2-3% मैक्सिमम 4% से ज़्यादा पैसा पूरे पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक्स में नहीं, उससे ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक्स में नहीं लगाना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हम नॉट ऑफ सेवी रिस्ट एनालिस्ट गाइड, वीडियोस प्योरली आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, आप कोई भी नेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।